आपने तो सुना ही होगा कि गेम के अंदर से डायमंड रॉयल एंड इनक्यूबेटर हटने वाला है। हाँ गाइस, 31 मई के बाद आप लोगों को गेम के अंदर कोई भी न्यू डायमंड रॉयल या इनक्यूबेटर देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है गाइस, गेम के अंदर अभी के टाइम कोई इनक्यूबेटर एंड डायमंड रॉयल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई कोई पीपल स्पिन नहीं करता है एंड गैडना गाइस अच्छा खासा बंडल डिजाइन करके थक चुका है। दैट्स व्हाई गेम से गाइस डायमंड रॉयल एंड इनक्यूबेटर हटने वाला है। सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर नहीं, फ्री फायर का जितने सारे सर्वर से हर एक के सर्वर के अंदर से ये हटने वाला है। एक और अपडेट निकल के आ रहा है कि गोल्ड रॉयल का जो स्पिन प्राइस है वो 26 अप्रैल से प्लस किया जाएगा। अभी के टाइम गाइस 1 spin 300 and 10 plus 1 spin 3000 गोल्ड लगता है, बट गाइस 26 अप्रैल के बाद आप लोगों को एक के स्पिन 800 गोल्ड एंड 10 प्लस 1 स्पिन 8000 गोल्ड का जरूरत पड़ेगा। मतलब समझ रहे, वीपन रॉयल के अंदर लेजेंडरी गन स्किन से दिया जा रहा है एंड वीपन रॉयल के अंदर आप लोग को गोल्ड से स्पिन मार पाते हो। आने वाला टाइम पे गोल्ड रॉयल के अंदर अच्छा खासा बंडल दिया जाएगा। जो बंडल डायमंड रॉयल के अंदर दिया जाता था वही बंडल आप लोगों को गोल्ड रॉयल के अंदर दिया जाएगा। मतलब पुराना बंडल नहीं देगा, न्यू बंडल ही देगा, बट अच्छा खासा बंडल गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाला है। मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर आने वाला टाइम पे वेपन रॉयल के अंदर जो गाइस गन स्किन से दिया जा रहा है ये देखने को मिलेगा एंड गोल्ड रॉयल के अंदर जो बंडल से दिया जाएगा वही देखने को मिलेगा। फिलहाल ये अपडेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाँ आने वाला टाइम पे देखने को मिलेगा। आज का वीडियो में बात करेंगे टू नाइट अपडेट के ऊपर, मतलब गाइस कल सुबह का 4 बजे का बाद गेम के अंदर कौन सा न्यू इवेंट आने वाला है 100% कंफर्म अपडेट देने वाला हूँ। उससे पहले गाइस मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा, रिसेंट वीडियो के अंदर मैं आप लोग को गाइस स्कॉर्पियो का टॉप अप इवेंट दिखाया था, जिधर गाइस 300 डायमंड का टॉप अप के अंदर आप लोग को एक बैकपैक का स्किन मिलने वाला है, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था। वीडियो अपलोड करने का बाद मैं जब गाइस अगेन डेटा माइनिंग कर रहा था तब मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये जो बैकपैक का स्किन है ये आप लोगों को स्कॉर्पियो का एक वेव इवेंट के अंदर नजर आएगा, क्योंकि गाइस इसका वेव आइकॉन निकाल के आ चुका है। ये वाला टॉप अप इवेंट पूरी तरीके से पोस्टपोन किया जा रहा है, कह सकते हो कैंसिल किया जा रहा है। ये जो बैकपैक का स्किन है ये आप लोगों को गाइस एक वेव इवेंट के अंदर नजर आएगा। आने वाला टाइम पे जरूर से जरूर वेव इवेंट का रिव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा। बाकी गाइस बात करते हैं टू नाइट अपडेट के ऊपर, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नया आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कल सुबह 4 बजे का बाद कोई भी फ्री इवेंट नहीं, बल्कि गाइस एक पेड इवेंट आने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को डायमंड लगाना पड़ेगा। हाँ जी गाइस, आप लोगों को एक न्यू फेडेड व्हील का इवेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमारा गाइस रमजान इवेंट स्पेशल डिजाइन किया गया है, UID अराइवल एनिमेशन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग बताना 10 में से कितना रेटिंग दोगे ये वाला एनिमेशन का। बाकी फेडेड व्हील का इवेंट का जो रिव्यू है ये आप लोग देख सकते हो। ग्रैंड प्राइज रहने वाला है ये वाला UID अराइवल एनिमेशन, हो सकता है पुराना कोई स्काई विंग का स्किन ये वाला फेडेड व्हील के अंदर डाल दे, बट स्काई विंग नहीं भी दे सकता है क्योंकि ऑफिशियल बैनर के अंदर अभी तक मेंशन्ड नहीं है। अभी आप लोग पूछोगे कि 3 दिन में वीडियो नहीं डाला, अब ये कितना छोटा वीडियो क्यों डाल रहा हूं। देखो वीडियो का टॉपिक क्या रखे भाई, अपडेट न्यूज तो रखना पड़ेगा और अभी के टाइम गेम रिलेटेड कोई भी न्यूज निकाल के नहीं आ रहा है, ना ही कोई न्यू इवेंट आ रहा है, ना ही कोई न्यूज निकाल के आ रहा है कि हम लोग को कवर करें, ना ही कोई गेम के अंदर ग्लीच आ रहा है कि हम लोग का वीडियो बनाए, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चुपचाप बैठना पड़ेगा और छाबड़ी टाइप का वीडियो मतलब मुझसे नहीं हो पाता है कि ये आने वाला है वो आने वाला है। देखो बाहर का सर्वर ओपन करेंगे तो बहुत सारा इवेंट आप लोग को दिखा सकता हूँ, बट इंडिया सर्वर के अंदर वो इवेंट से नहीं आता है, जो आता है वही मतलब डालता हूँ। आने वाला टाइम पे अगर इवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसा ही कमती पड़ जाता है तो टू नाइट अपडेट भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है जरूर से जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और फ्रेश न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा। खुद का ख्याल रखना, खुद का फैमिली का भी ख्याल रखना।